उत्तराखंड कोई कहे विदेश, राहुल की छुट्टी पर हो रहा कलेश, सेनापति लगाने गए चिंतन ध्यान, बजट सत्र में कौन संभाले कमान, नाजुक वक्त में नायक नदारद। राहुल गांधी कहां हैं? देश में हैं या फिर विदेश में, किसी को कुछ पता नहीं। अगर पता है तो सिर्फ इतना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने वाले राहुल गांधी अहम वक्त में किसी कोने में आत्ममंथन कर रहे हैं, पता नहीं कहां है। इधर भूमि अधिग्रहण बिल पर बवाल चल रहा है, रेल बजट है, आम बजट भी है, और सवाल यह है कि चिंतन का ये कौन सा वक्त है, कौन सा समय है। कोई कहे उत्तराखंड, कोई कहे विदेश, राहुल की छुट्टी पर हो रहा कलेश, सेनापति लगाने गए चिंतन ध्यान, बजट सत्र में कौन संभाले कमान, नाजुक वक्त में नायक नदारद। दरअसल बजट सत्र में राहुल गांधी के छुट्टी लेने पर कहा गया था कि राहुल चिंतन के लिए अवकाश पर हैं, लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों कांग्रेस के नासुक वक्त में नदारद है उनका नायक। बजट सत्र के बीच राहुल गांधी छुट्टियों पर निकले तो सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा शुरू हो गई कि आखिर कहां गए राहुल गांधी। अब जितने उतनी बात, कोई कहे बैंकॉक गए तो कोई कहे बिलायत। कमबख्त चर्चाओं की चाल तेज होती ही जा रही थी लगातार कि अचानक से प्रकट हुए पार्टी के एक नेता कुछ तस्वीरें पेश कर दी दुखते दिल के साथ। विदेश जाने की तमाम बातों पर विराम लगाते हुए कह दिया कि उत्तरकाशी में है राहुल बाबा का पड़ाव, शिविर लगा है चिंतन मंथन का गंगा जी की शरण में। मैंने अपने सूत्रों से फोटो मंगाई और रात को रिलीज करी कि राहुल गांधी देवभूमि गंगा माँ के किनारे अपने काम अगले आने वाले पड़ाव की तैयारी कर रहे हैं, ना कि वो विदेश में है। इस तरह नेता को बदनाम नहीं करना चाहिए, वो देश के हित की बात समझते हैं, वो सच्चे रास्ते पर चलना चाहते हैं और वो चलेंगे। देश की जनता सच्चाई को देर से स्वीकार करती है, आने वाले टाइम में स्वीकार करिए। आप देखना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने वाले हैं। बीजेपी के जिस भू अधिग्रहण बिल पर राहुल गांधी ने तेवर दिखाए थे उस पर देश की संसद शोर के दलदल में धंस रही है। अब अपनी अपनी पार्टी के सब अलमबरदार हैं अगुवाई करने को, लेकिन कांग्रेस के सेनापति का कोई अता पता नहीं। वहीं गंभीरता की बाहें चढ़ाने वाले राहुल गांधी की गंभीरता पर भी सवाल उठ ही गए। पीएम की गैर मौजूदगी पर भी तो बड़े बड़े सवाल उठाए थे कांग्रेस ने। देश की तकदीर जहां लिखी जानी है वर्ष 2015-16 का, और इस मौके पे अगर वो व्यक्ति मौजूद नहीं है तो बड़ा मुझे हास्यास्पद लगा और दुर्भाग्यपूर्ण लगा भारतीय राजनीति के लिए। अविवाहित बच्चा है, उसका मन है तो जाने दीजिए, काहे परेशान है आप लोग, उसका कुछ मन होगा तो घूमने दीजिए बैंकॉक और पटाया। बहरहाल जंतर मंतर से लेकर संसद तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निगाहें ढूंढ रही हैं अपने नायक को, लेकिन नायक नदारद है ऐसे नाजुक मौके पर। इसलिए मंथन और चिंतन से बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कौन से वक्त के लिए चिंतन करने गए हैं राहुल गांधी। क्या गंगा जी के किनारे शिविर लगाने से मिल जाएगा कांग्रेस को किनारा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने वाले राहुल गायब हो जाते हैं जब अहम वक्त देश का आता है। बजट सत्र चल रहा है लेकिन राहुल कहां है यह भी नहीं पता है किसी को, देश में है या विदेश में है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, खासतौर पर मोहम्मद शाहिद साहब जो कि समाजवादी पार्टी से फ्रंट फुट पर आज बैटिंग करते दिखेंगे। आमिर हैदर साहब है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ, कई सवाल होंगे आमिर हैदर साहब से, लेकिन मनोज तिवारी के जवाब से शायद वो थोड़ा उन्हें अच्छा ना लगे। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमिर हैदर साहब, राहुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के वक्त भाग जाते हैं और ऐसा लगता है एक सांसद के तौर पर तो फेल हो ही चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ये जब एक देश का अहम वक्त हो, बजट हो और सबसे बड़ी बात भूमि अधिग्रहण बिल पर जिसे लीड करने का दावा कर चुके हो राहुल गांधी, भट्टा पारसोल पर किसी की बाइक लेकर सुरक्षा कर्मियों को धता बताते हुए चले गए हों और वो गायब हो गए हों। ऐसा है कि लग रहा है कि हमसे ज्यादा, कांग्रेसियों से ज्यादा चिंता उन लोगों को है जो आज तक सिर्फ गाली देते रहे, उल्टी सीधी बातें करते रहे। कांग्रेस में राहुल गांधी चले गए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में बहुत नेता है और कांग्रेस में हमारे अध्यक्ष सोनिया जी मौजूद हैं, तो राहुल गांधी अगर चले गए तो कौन सी प्रॉब्लम है। अपोजिशन वाले बोलते हैं अमीर हैदर साहब,
भूमि अधिग्रहण बिल पर किस तरह से लीड करते दिखे, बाहें चढ़ा करके सब देश के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते दिखे, और जब वो वक्त आया तो गायब हो गए। ये बताइए कि जिस वक्त ये बिल आया तो सब साथ थे, कांग्रेस भी साथ थे, राहुल गांधी भी साथ थे, और राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है, प्रेसिडेंट हमारे मौजूद है और हाउस में भी मौजूद रही, हर जगह मौजूद है, हमारे और भी लीडर हैं। पूरे कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, नेतृत्व करने की बात राहुल गांधी से। हैदर साहब, आपने कहा हैदर साहब जी, जी देखो दिल की बात करिए, आपने नेहरू जी का समय देखा, इंदिरा गांधी का समय देखा, राजीव का समय देखा, मनमोहन सिंह को देखा, आज दिल की बात करो। कोई नौजवान कांग्रेसी दिल की बात ना करता तो मैं उसकी मजबूरी समझता। अमिताभ भाई एक मिनट मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। जी 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 जी, नेता तो कांग्रेस में हजारों हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। वो उस परिवार का चश्म चिराग है, वही आपका मुस्तकबिल है, अच्छा हो बुरा हो कोई हो, इन बातों से कैसे भाग जाएंगे? हम भाग कर रहे हैं। एक नहीं बड़ा सा, अपने बड़ा सा आप मुझे बताओ, छोड़ो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, जो भी छोड़ो वाइस प्रेसिडेंट, छोड़ो नेहरू जी के परिवार का बच्चा, सिर्फ इतना ही मान लो कि जब रेल बजट और आम बजट आना हो तो हिंदुस्तान से चुने हुए हर प्रतिनिधि को वहां मौजूद होना चाहिए संसद में, ये एक सामान्य परंपरा रही है, इससे महत्वपूर्ण किसी सांसद के लिए कोई काम नहीं। ठीक, ऐसे वक्त में राहुल जी चले गए चिंतन करने, वो बैंकॉक गए, पटाया गए, उत्तराखंड है, नागालैंड है, मेरी इसमें रुचि नहीं जानने में, ये जगदीश शर्मा जाने। लेकिन मेरा सवाल है कि कांग्रेस जन इस परिस्थिति को जैसे डिफेंड कर रहे हैं, ये औपचारिक तौर पर तो ठीक है, लेकिन उनके दिल से पूछिए तो मुझे कई कांग्रेसियों ने कहा कि साहब इस बात से बड़ा धक्का लगा, पूरी पार्टी की छवि खराब हुई। हैदर साहब जी, नहीं मैं कहता, मैं बिल्कुल विचार कर रहे हैं कि धक्का लगा और छवि खराब हो गई। अच्छा? बिल्कुल छवि खराब नहीं हुई, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी। अच्छा, आप स्वागत करते हैं एक जी राहुल गांधी के अंतर्ध्यान होने का, आप स्वागत करते हैं, अच्छा काम किया इस वक्त जाके। नहीं मैं कहता कि रहना चाहिए था, मैं कहता हूँ, लेकिन कोई कारणवश कोई जा सकता है, एक व्यक्ति चला गया तो कारण देश को बताओ ना। साहब कारण देश को पता होना चाहिए ना, ये घरेलू पार्टी नहीं है ना। क्या कोई निजी कारण से नहीं जा सकता कोई? तो निजी कारण में भी इतना बड़ा कारण हो जो देश की जरूरतों से बड़ा हो, सार्वजनिक जीवन में निजी नहीं होता क्या? पूरी कांग्रेस खड़ी है, पूरी कांग्रेस है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, पूरी कांग्रेस खड़ी है। हैदर साहब राहुल गांधी, हैदर साहब हमको पता हैदर साहब जी, पूरे राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है, हैदर साहब एक बात, बहुत से कांग्रेस ही है। हैदर साहब एक बात कह दे, बात थोड़ी खड़ी है लेकिन कहेंगे जरूर, मैं भी आप भी खड़ा कहते, थोड़ा मैं भी खड़ा कहता, बिल्कुल आपका स्वागत है चचा, आपका स्वागत है जी। कांग्रेस में गांधी परिवार, समाजवादी पार्टी में यादव परिवार, भाजपा में मोदी जी और अमित शाह, और बसपा में मायावती जी, इनके बारे में अगर कोई ये कहे कि नहीं ये नहीं है लेकिन हमारी पार्टी में और तमाम लाखों लोग हैं, तो फिर वो छद्म बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, व्यवहारिक बात नहीं है। ये लोग अपनी पार्टी की धुरी है, पार्टी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, यही लोग पार्टी के संचालक है, यही डायरेक्टर है, यही प्रमोटर है, यही शेयर होल्डर है, ठीक है ना? इसलिए बात हो तो वैसे उतनी ईमानदारी की हो, अन्यथा बात मजा नहीं आएगा। हैदर साहब माफ करिए, अमिताभ भाई सुनिए, आपको खुश करने की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा ये डेमोक्रेटिक बहुत बड़ी पार्टी है, ये सापा नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। हैदर साहब वो चुनकर है, एमपी है, उनकी जिम्मेदारी है, पार्टी की बात कहां, ये बताइए क्या जिसने वो सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स में, पूरे नहीं है उनको छुट्टी पर जाना चाहिए, मैं बताता हूँ ना सीरियस क्यों नहीं है, सदन में सो जाते हैं मसले पर, सुनिए क्यों सीरियस नहीं है, सदन में वो सो जाते अच्छा, हैं एक अगर एक आंख बंद करके कोई सुन रहा है तो मेरी बात सुनिए, ये आपको भी पता है आंख बंद करके कैसे सुनते हैं और आत्ममंथन कहां होता है। अच्छा एक मिनट, वो सीरियस अगर होते तो सदन में सोते नहीं, उनकी अटेंडेंस सबसे कम है तीसरे नंबर पर, सुनिए अमीर हैदर साहब एक मिनट सुन लीजिए, अगर वो सीरियस होते तो सोते नहीं, उनकी सबसे कम अटेंडेंस है सदन के अंदर। तीसरी बात,
आप मंथन के लिए ये वक्त क्यों? आप हारे लोकसभा चुनाव तो वक्त नहीं मिला आपको, आप हारे महाराष्ट्र और हरियाणा वक्त नहीं मिला, आप दिल्ली हारे उसके 15 दिन गुजर चुके हैं वक्त नहीं मिला, यही वक्त मिला था किसी कोने में बैठकर आत्ममंथन करने का। और फिर सवाल एमपी के तौर पर है जो चुनकर भेजे गए, उन लोगों से पूछिए अमेठी वाले लोगों से कि उनके सवालों को उठाएंगे कि सो जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता हूं कि जितने सवाल 550 एमपी हैं सब मौजूद रहते क्या हर वक्त? मैं आपको प्रणाम करता हूं, ए आशुतोष अभी नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूं अगर कांग्रेस ने मान लिया कि राहुल 550 में से एक है तो फिर बहसी खत्म हो गई, फिर कहेगी बहस, आपको बेल आउट किया हमारा अगर भैया हैदर साहब चचा अगर नहीं हमीर हैदर अभी नहीं हैदर साहब अभी अगर अगर शाहिद साहब मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव को सपा के 15 लाख कार्यकर्ताओं में एक मानते हैं तो मैं इनको प्रणाम करके बेलआउट कर दूंगा। अगर आशुतोष मोदी जी और अमित शाह को कहते हैं कि 6 करोड़ कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता है तो मैं इनको भी लड्डू खिला के विदा करूंगा, फिर इनसे क्या पूछ रहे अमिताभ जी मेरा खत्म हो गई अद्भुत मैं अमिताभ जी मेरा निवेदन सुन लीजिए जी। खड़के साहब कांग्रेस के लीडर है कि नहीं है लोकसभा में, राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद लीडर है कि नहीं है, हैदर साहब छोड़िए छोड़िए इस बात पे अभी नहीं। शाहिद भाई मैं तो बात कह रहा हूं व्यवहारिकता की, उससे न कांग्रेसी भाग सकता न बसपाई न सपाई न भाजपाई नहीं और पार्टी हमारी पार्टी का फर्ज है। ये सब बातें फर्जी हैं, जो कोई ये कहे कि भाई कांग्रेस ये खानदानी पार्टी नहीं है, सब सारी बातें फर्जी पार्टी नहीं है, किसी एक नहीं है। हैदर साहब मैंने कनिष्क से मिलने के लिए कांग्रेस के 90 साल के बुड्ढों को हाजिरी लगाते देखा, महीनों अपॉइंटमेंट मांगते। आप बता रहे हो राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में एक है 540 में से, अब हमने बता रहे नहीं नहीं क्या डेमोक्रेसी है क्या? राहुल गांधी जो ये है भाले भाई ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन हाउस का लीडर मौजूद है, कांग्रेस मौजूद है, गुलाम नबी आजाद मौजूद है। अच्छा बड़े प्रॉब्लम नहीं है, खड़गे अपोजिशन की है, खड़गे ही तो प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस का भविष्य का, मैं जान रहा हूँ। ठीक है शाहिद साहब एक उत्तर प्रदेश में एक मसल थी, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, सुने हो कभी? जी जी जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, क्या कांग्रेस ने यह मान लिया कि लला चाहे यहां रहो चाहे विदेश रहो कोई फर्क नहीं, जहां चाहे जहां घूमो, क्या मान लिया है? अमिताभ भाई जी मैं सबसे बड़ी बात शुरू करूंगा और हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं अमीर हैदर साहब, सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने अभी यही निर्णय किया कि राहुल गांधी कहां हैं, विदेश में है या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है, ये तो सबसे बड़ी बात। अगर कांग्रेस की बात मानी जाए तो वो विदेश में है और किसी एक कार्यकर्ता की बात मानी जाए तो वो उत्तराखंड में है। ये भी एक अजीब सी घालमेल है दोनों के अंदर, जैसे कांग्रेस के अंदर घालमेल है, जैसे राहुल गांधी की राजनीति में खुद में घालमेल है, वैसे ही घालमेल कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं में। एक बात कांग्रेस ने सबसे बड़ी बात यह कि जो आपने उठाई एक बहुत अहम और गंभीर मुद्दा, देश में बजट सत्र चल रहा है, देश में भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, पूरे देश के किसान परेशान है उसको लेकर, और आपका युवराज जो भावी राजनीति की जो भावी राजनीति को अपने करीब में देखते हैं वो उनका गायब रहना ये एक शर्मनाक मुद्दा है। बात ये है सबसे बड़ी बात, आप लोग चिंता बहुत है, जब आपका टर्म आ जाए तब तक बोल लीजिएगा थोड़ा सा। राहुल गांधी आपको बात सबसे अहम देखिए, चिंता की बात नहीं है, बात चल रही है, बात हो रही है। मुझे लगा मोहम्मद शाह मुझे इस बहस का सूत्र मुझे मिल याद आ गया, वही सूत्र है जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, तभी हैदर साहब हंस रहे हैं कि आप लोग बेकार चिंता करो, वो यहां रहते तो क्या कर लेते, इसलिए तो हंस रहे हैं। ये बात करें चलेंगे अमिताभ बच्चन जी आप तो माहिर है बातों के, शाहिद भाई ऐसे मामला है क्या? बिल्कुल अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा अमिताभ भाई, देश में 2 बजट पेश होने जा रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर 2 बजट पेश होने जा रहे हैं, उसमें आपका रहना बहुत आवश्यक था, इसलिए कि आप अपने आप को देश का अपने भावी राजनीति को अपने आप करीब देखना चाहते हैं तो आपका रहना वहां पर उचित है। ये बात एक तो सबसे बड़ी बात जो मैंने सबसे पहले उठाई, कांग्रेस की बात माने या विदेश में है, एक कार्यकर्ता की बात माने कि वो उत्तराखंड में, वो कार्यकर्ता नहीं है सामान्य, अजीब सा कार्यकर्ता सामान्य नहीं है, ही जगदीश शर्मा इज वेरी क्लोज टू प्रियंका जी,
वो प्रियंका गांधी के बड़ा नजदीक कार्यकर्ता है, इसलिए मुझे जानकारी अमिताभ भाई नहीं है कौन किसके करीब है, प्रियंका गांधी के करीब है, कौन सोनिया जी के करीब है, कौन राहुल गांधी साहब के करीब है, मैं इसकी जानकारी नहीं रखता। मगर राहुल गांधी साहब को इतना गंभीर मुद्दा, आप और सबसे बड़ी बात बताएं, भूमि अधिग्रहण को लेकर हिंदुस्तान में पूरे बवाल मच रहा है, इनके प्रदेश के अध्यक्ष इटावा में प्रदर्शन करते हैं, कितने शर्म की बात है, मात्र 50 लोगों के साथ। नहीं ठीक है, ये कितनी अजीब बात है। आशुतोष राय जी, प्रदर्शन करना चाहिए, आशुतोष राय जी आप जाइए प्रदर्शन दिल्ली में करिए। अच्छा अच्छा, इनको तकलीफ है, आशुतोष राय जी आप करिए, पूरे देश में करिए। अरे शाही शादी खत्म हो गई, अब जनता की आशुतोष राय जी, ऐसा लगा कि बच्चा स्कूल में गया और पहले दिन ही छुट्टी ले ली उसने। आवाज नहीं आई, क्षमा चाहूंगा। मेरा सवाल ये कि स्कूल में जब बच्चा जाए और पहले दिन ही छुट्टी ले ले, उसी तरीके का व्यवहार राहुल गांधी का? निश्चित रूप से देखिए, ये बहुत सोचने वाली बात है और उस विषय को जो है रखा है अमिताभ भैया ने, 100 साल से पुरानी पार्टी, देश में आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने का दम भरने वाली पार्टी, जिस पार्टी में गांधी जैसे नेता रहे हों, जिस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता रहे हों, जिस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता रहे हों, इंदिरा जी जैसी नेता रही हों, और ऐसी परंपरा को निभाने वाला राजनीतिक दल और उसका अगुआ, उसके ऊपर से कांग्रेस का अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिसने गत लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब चुना, जनता को उसने ख्वाब दिए, ऐसे व्यक्ति का ऐसे प्रमुख समय से संसद से नदारद रहना यह गंभीर विषय है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप तो नाराज हैं अपनी पार्टी से, आखिरकार अमेठी की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप संसद के इस शीतकाल बजट सत्र में आप संसद में रहते, चार बात आप अमेठी की करते, अमेठी की जनता तो बहुत जो है शर्मसार होगी, उसको आपको वोट देने के ऊपर अपने आप के ऊपर शर्म आ रहा होगा कि हमने क्यों इस जो है कायर और भगोड़े को जो है चुन करके संसद में भेजा। ये बड़ा अहम विषय है अमीर अमीर अगर साहब, और उदाहरण का स्वभाव है वो नौजवानों को इस्तेमाल कीजिए, प्रभाव है वो बहुत इस्तेमाल न करो यार, जो है आशुतोष राजी लैंग्वेज अच्छी इस्तेमाल कीजिए, छोड़ करके भाग जाए आशुतोष राजी, एक मिनट बात हो गई, इस्तेमाल कीजिए अमीर अगर साहब ने दल की बात, हमारे अध्यक्ष मौजूद है, आशुतोष लीडर मौजूद है, हमने राज्यसभा के लीडर मौजूद है, ये बात आशुतोष राजी, कांग्रेस नीति विहीन हो चुकी है, कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है, और एक ऐसी सेना का सेनापति जिसकी सेनाएं आज इनको बिचारों की नींद नहीं आ रही है, कई टुकड़ियों में बिखर गई है। अच्छा हैदर साहब, ठीक है आशुतोष आपकी बात आ गई, आशुतोष आपकी बात आ गई, हैदर साहब आशुतोष आपकी बात आ गई, नई बात नहीं है, आपकी बात आ गई, आशुतोष आ गई, हैदर साहब वो महाराष्ट्र में, आशुतोष एक मिनट, जो है जमीन अधिग्रहण का मामला रहा हो आशुतोष, वो कोयले के आवंटन का मामला, ठीक है आशुतोष आपकी बात आ गई, फ्लड आया हैदर हैदर साहब नहीं गए, अगर इस बात से तो आपको खुशी होगी, हालचाल लेने नहीं गए आशुतोष गांधी जी, जो है केवल और केवल समोसे की दुकान पर बैठ के समोसा खा सकते हैं, जब लड़ाई का समय आएगा तो मैदान छोड़ करके। आशुतोष मेरी आवाज सुना करो भाई, हैदर साहब इस बात से तो आपको खुशी होनी चाहिए कम से कम कि आपका शहजादा गायब हो गया बीच बरात से दूल्हा, तो लोग चिंता कर रहे हैं, इससे तो खुश हो जाइए। अमिताभ भाई जी, इन लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, कुछ बजट पेश किया है उल्टा सीधा बजट है, लोग परेशान है, नहीं, नहीं, इनको बड़ा तो बरात से भैया हमारी चिंता बहुत है, हमारे लीडर मौजूद है, हैदर साहब जी जी एक बड़ी हैदर नहीं, एक बात अमिताभ भाई एक बात बता, एक बात इन्होंने अच्छी बात करेंगे आप, कांग्रेस को बताते कुछ नहीं किया, आज इन्होंने खुद बता दिया कि कांग्रेस में इतने इतने बड़े लीडर पैदा हुए हैं, तो कांग्रेस में आज भी बड़े लीडर हैं, हैदर साहब इतिहास आपने इनकार नहीं, इसको कोई इनकार नहीं, अधिकार की बात आप करते हैं, कांग्रेस लाई हैदर साहब ने सपोर्ट किया, आज अपोज कर रही है, क्या हैदर साहब ये बात इतिहास को नहीं धोए, आज पर बात करें वर्तमान पर बात करें, इतिहास उन्होंने खोला है, नहीं तो हम नहीं कहते अमिताभ भाई, ठीक है हम करें उनको हमारे साथ सुना रहा है ये, अरे आप भी सुना रहा है, अरे भाई चचा सुन तो लो, आप हमारे कहने से सुनहरा होगा, जनता सुनहरा और काला लिखती है,
चेहरा। अरे राजा ही आशुतोष अभिनय, जनता लिखती है ना मुस्तकबिल, तो लोकतंत्र में कि राहुल गांधी अपना भविष्य खुद ही लिख लेंगे अपनी कलम से। नहीं नहीं मैं मेरी बात आशुतोष दूसरे सुनने दीजिए फिर। अमीर हैदर आशुतोष लगातार मत बोलिए, अमीर हैदर साहब मेरा सवाल, एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है दुनिया भर में, अगर आप नायक होना चाहते हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आप नायक होना चाहते हैं तो आपको परिणाम देना होगा। यह उक्ति हर युग में लागू है। राहुल गांधी नायक क्यों होना चाहते हैं आज मैं इस सवाल को उठा रहा हूं, जब वो परिणाम नहीं दे सकते, युद्ध में खड़े हो तो हार जाए और युद्ध जब ज्यादा परेशान हो जाए तो भाग जाए, तो फिर वो नायक क्यों होना चाहते हैं? आप जवाब दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि वो नायक खुद नहीं बन रहा है। अच्छा, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, कांग्रेस ही सपोर्ट कर रहे हैं और सोनिया जी अध्यक्ष मजाक नहीं कर रहे, आज मजाक नहीं, बात सुन लीजिए, आपके उपाध्यक्ष हैं, अभी अध्यक्ष भी मौजूद है, उसके बाद हैदर साहब देखिए लोग हंस रहे हैं, हैदर साहब जी ये इनको चिंता हमारी ज्यादा है। नहीं ये मजाक हो जाएगा कि लोग कह रहे हैं नायक बनो ना, वो तो खुद में नाराज है, वो कह रहे हमको आगे हो नहीं पा रहे हैं। हैदर साहब वो इसलिए नाराज है कि हमको आज ही अध्यक्ष बनाओ, सोनिया जी कह रही है कि भाई तुमको मेरी कसम महीने दो महीने रुक जाओ। अरे नहीं अग्रवर्ती जी, अरे बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। अच्छा अमीर हैदर साहब बच्चन हो रहे हैं, अमीर हैदर साहब आप मेरी बात सुनिए, बड़े अमीर हैदर साहब तो चाचा घुमा के आगे अमीर हैदर, युद्ध का मैदान हो, जब अहम वक्त हो और सेनापति सिपाही को छुट्टी दे दे, आप समझ रहे ना, सोनिया गांधी ने छुट्टी दी क्यों, अध्यक्ष ने छुट्टी क्यों दी उपाध्यक्ष को, हमारे ऐसे सवाल ये गलत फहमी नहीं है हम लोगों को, राहुल गांधी क्या है? हाँ ठीक है, हमारे सिपाही सालार वो भी है, लेकिन हमारे सुप्रीम जो है सोनिया जी है, ठीक है आपको उत्तर में जानिए, कितने भी सवाल पूछेंगे आप वही उत्तर देंगे। शाहिद साहब मुझे बताइए, राहुल गांधी काका देव कानपुर के काका देव वार्ड से पार्षद है क्या कांग्रेस के? थोड़ा सा अमिताभ भाई थोड़ा सा लाउड करिए, मैं कह रहा हूँ राहुल, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी क्या राजाजीपुरम लखनऊ वार्ड से पार्षद है क्या? बहुत गंभीर प्रश्न उठा दिया जी, बिल्कुल सही कहा, देखिए चचा ने मान हमीर अदर साहब ने मान लिया कि राहुल गांधी उनके नेता नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नेता मानता हूँ, अकेले नेता नहीं है, अकेले नेता नहीं है, गलत अकेले नेता नहीं है, आपके अकेले नेता मुलायम सिंह है, आपके अकेले नेता अभी वो है नरेंद्र मोदी है, हमारे नेता कई हैं, अरे भाई हमारे सबसे बड़े ऐसे नेता है जिन्हें जो लीड करने की आप सोचते हैं वो तो मिसलीड करके चले जाते हैं, नहीं हो जाते हैं ऐसे देखा है, सेनापति तो एक ही होता है, सेनापति हमारे सोनिया जी है, सेनापति तो एक ही होता है, तुम कह करोगे हम तय करेंगे। ये क्या है पर राहुल जी, एक मिनट हैदर साहब, फिर राहुल गांधी क्या है एग्जैक्ट बता दो, सेनापति सोनिया गांधी राहुल गांधी सिपाही है, सिपाही क्या नहीं है, नहीं भाई जवाब आप दे रहे हैं, पूछा हैदर साहब आप बताओ फिर मैं जाऊंगा, सोनिया गांधी सिपाही सालार है हमारी, राहुल गांधी सिपाही है, जितने हैं सब सिपाही बस बस अब आपकी बात आ गई, चचा आ गई उनमें से एक हैदर साहब, आ गई बात आपकी, अब थोड़ा 44 एमपी में से एक एमपी वो भी है, हैदर साहब बात आ गई, अब थोड़ा विश्राम, अब बाकी दो गेस्ट से जरा मुखातिब बोलूं, हैदर साहब थोड़ा रुक जाइए, शाहिद साहब अमीर हैदर साहब ने बड़ी ईमानदारी से कह दिया सोनिया गांधी सेनापति है, बाकी सारे सिपाही उनमें एक सिपाही राहुल गांधी, तब फिर सिपाही कहीं खोखा भी जाए भीड़ में तो क्या समस्या है, ये मान लो भागी जाए तो क्या समस्या है शाहिद साहब, ये चिंता इन लोग है, खोया नहीं है, वो आएगा एक जाएगा आंधी पानी की तरह आएगा, नहीं नहीं अभी आपको पता ही नहीं, आप बीजेपी वाले सपा वाले अमीर हैदर साहब आपके किसी नेता को अभी उसका वेयर अबाउट ही नहीं पता, फिजिकल लोकेशन कहां है, तो गायब हो गया, रिपोर्ट लिखाइए शाहिद साहब, क्या कांग्रेस को रिपोर्ट नहीं लिखा देनी चाहिए अमिताभ भाई, आपके जितने जाने सबको पता रहता है आपका हाँ कौन गया है, हाँ हाँ मैं पता रखता हूँ, जो मेरे आपको पता रखते हैं पता रखते हैं सबको पता रखते हैं, स्टेशन छोड़ते हैं तो बता के जाना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं और क्यों कब देखिए, आप बदल गए, आपकी बात बदल गई, देखिए नहीं मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ, हैदर साहब कभी जिंदगी में बात नहीं बदलता, शाहिद साहब
आपकी बात आ गई, बात आ गई अभी नहीं, अभी नहीं आपकी बात आ गई। शाहिद साहब मेरा सवाल वही, अमीर हैदर साहब ने कहा राहुल गांधी कि लाखों सिपाहियों में से एक सिपाही है, तब तो फिर हंगामा ही नहीं होना चाहिए कांग्रेस में। लाखों में नहीं कहा, लाखों में नहीं कहा शाहिद साहब, 44 एमपी उनमें से एक एमपी वो भी है। अच्छा 44 में एक है, वाइस प्रेसिडेंट है, 44 में एक है, नथिंग स्पेशल शाहिद साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है वो स्पेशल है। अमिताभ भाई वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए स्पेशल है। थोड़ा सा जी, राष्ट्रीय दल का दम भरने वाली पार्टी जो आज एक क्षेत्रीय दल के रूप में अपने आप को पा रही है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी जी, जैसे अमीर हैदर साहब ने कहा कि उनकी प्रेसिडेंट है, मगर सोनिया गांधी जी को यह तो जरूर पता होना चाहिए कि उनका सुपुत्र और उनकी पार्टी का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहाँ है, और लोकसभा का जो बजट सेशन चल रहा है उसमें क्यों नहीं शिरकत कर रहा है। ये मौलिक सवाल तो ये उठता है ना देश के लिए, बिल्कुल छुट्टी देश ये भी जानना चाहता है। हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को ये उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कहाँ हैं। ये जरूरी है, ये उनका, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर दिया जाए जरूरी है क्या? नहीं ये नहीं है, देश जानना पार्टी को दिया है, देश जानना चाहता है, प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, कोई नहीं जानना चाहता, आप ही लोग जानना चाहते हैं, इसको इश्यू बनाए हुए हैं, कोई इश्यू नहीं है। कहाँ अमीर हैदर साहब, देश में विदेश में इतना बता दीजिए, बैंकॉक में है, उत्तराखंड में है, मॉरिशस में है, कहाँ? आप कहते हैं, हम तो ये कहते हैं मुद्दा ही गलत है, क्यों इतनी बड़ी चिंता है? अरे ठीक है शाहिद साहब, आपकी बात हमारे लीडर है, ठीक है ना साहब, आ गई है ना साहब, अमीर साहब, अमीर है ना साहब, बात आ गई। आशुतोष, कोई कह रहा, कोई कह रहा पटाया है कोई जगह वहां, कोई कह रहा बैंकॉक, कोई कह रहा उत्तराखंड, कोई नाम नहीं ले रहा, बस आपने बता दिया। हिंदुस्तान के इतने प्रमुख आदमी का वेयर अबाउट पर अगर संशय हो जाए तो ये नैतिकता की बात बनती है, सार्वजनिक जीवन की ये मांग होती है कि बताया जाए वो आदमी कहां है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कोई हो जो सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों पर है, अगर उसके गुमशुदगी पर सवाल उठ जाए, कोई कहे यहां, कोई कहे वहां, कोई यहां से फोटो डाले, कोई वहां से फोटो डाले, तो फिर एक प्रामाणिक वर्जन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? निश्चित, ये किसी के मां के बेटे का मसला नहीं है, केवल इतना ही मसला होता तो सोनिया जी का व्यक्तिगत विषय होता, मैं चर्चा नहीं करता। आपने कहा ये मुद्दा क्यों बनाया, अच्छा ये बताना जरूरी है कि कहां गए हैं, बिल्कुल बताना जरूरी है, क्या खाना खा रहे हैं, खाना मत बताइए, आराम कर रहे हैं, गलत बात नहीं, बात है साहब, ये सरलीकृत मत करिए, जनरलाइज मत करिए, वेग बात नहीं चाचा, आप सीजन पॉलिटिशियन है, वेग बात नहीं। आशुतोष, सार्वजनिक जीवन में हर आदमी को फिर बोलना बताना चाहिए वो कहां है, मेरी बात से सहमत है कि नहीं? निजी मामले भी होते हैं कुछ, जी आशुतोष बोलिए। निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो जनता के प्रति जिम्मेवार है, जनता ने जिसको अपना अमूल्य वोट दे दिया है, जनता उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी रखने का हक रखती है, और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, उस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, कम से कम उसके संसदीय क्षेत्र की जनता को तो पता हो कि वो व्यक्ति फला अमुक व्यक्ति, हमारा सांसद, हमारा मंत्री, हमारा विधायक इस समय कहां है, जनता को कब क्या समस्या आ जाए, कब क्या कठिनाई आ जाए, कब क्या उसको मदद चाहिए, कोई हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई हारी बीमारी है, वो तो एक सामान्य व्यक्ति की बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कांग्रेस के उन लाखों लोगों के निष्ठा का सवाल है जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करके 44 एमपी जिता करके केंद्र में भेजा और संसद में भेजा, उन लोगों के भी निष्ठा और आस्था का सवाल है, उन लोगों के भी जो है मान और प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वो राहुल गांधी हो, एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो जो सार्वजनिक जीवन में है, अगर जिसको जनता का मत मिला है, निश्चित रूप से जनता उसके बारे में जानने का हक रखती है, और उस व्यक्ति को भी, वो राजा हो, राजा तो पहले के समय में राजा वेश बदल करके जो है जाकर के बाजारों में हलचल लिया करते थे, जनता का हलचल लिया करते थे, यहाँ तो राजा का दम भरने वाला ही गायब है, ये 10 लाख का पता नहीं है, 10 लाख का कोर्ट पहनते हैं, नहीं नहीं कोर्ट चाय की दुकान, कोर्ट का कोई प्रश्न नहीं है, अरे कोर्ट तो भाई ने होता है 2 करोड़ की, नहीं
पानी पी जाते हैं, कोट पहनते हैं, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। कोट पहनना जो है वो तो कोट किसी ने अगर उपहार में दे दिया तो कोट पहनना सम्मान की बात है, उस उपहार का सम्मान क्या उसमें है? आशुतोष राजू का कोट पहनेगा और अरे क्यों चाय पहनने और चाय इसका मतलब कि आप चाय बेचने वाले से कंप्लिसिटी रखते हैं? आज भी ये चाय बेचने वाले से जो है चाय बेचने वाले से ये दुर्योग रखते हैं, चाय बेचने वाले से जो है इनको चाय बेचने वाले से ईर्ष्या है, क्योंकि ये 100 बीघे 200 बीघे जमीन लेकर के आए, ये बड़े बहुत आलीशान से महल में रहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आशुतोष राजू के नाना जो है वो इस देश के जो है प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया 10 लाख अमीर अदर साहब, एक मिनट, जो है इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करते थे आशुतोष राजू, वो इस देश का प्रधानमंत्री, बात हो गई आपकी, बात हो गई, एक मिनट, सवाल सवाल को पूछ लेने दीजिए आशुतोष राजू, एक मिनट, मानसिकता को आशुतोष राजी, एक मिनट, एक सवाल पूछ लो, ब्रेक का टाइम है, एक सवाल पूछ लो आशुतोष राजी, ऊपर पहुंचता है तो उससे आशुतोष राजी, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, मुद्दे पर आ जाइए, कम से कम समय नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस की मानसिकता आशुतोष राजी सुन पा रहे हैं, जनता देख रही है, जब शराब व्यक्ति 4 लाख 4 करोड़ का वोट पहनने की हैसियत नहीं रखता, एक अमीर हैदर साहब, ब्रेक लेना है, वक्त की कमी है, अमीर हैदर साहब, अमीर हैदर साहब, अमीर हैदर साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, ब्रेक का वक्त हो गया है, आशुतोष राजी शांत हो जाइए, मुद्दे से मत भटकिए, पसीने को चूस करके मालो और अट्टा बहुत में रहते हैं, आशुतोष राजी की आवाज कम कर दीजिए, जिनका कोट पेरिस से घूमकर आता था, जिनकी आशुतोष राजी आप सुन रहे हैं, मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं, आपके पास अमीर हैदर साहब, अभी रुक जाइए, आशुतोष अभी नहीं, आशुतोष नो, हैदर साहब, हैदर साहब अभी नहीं, अभी नहीं, आशुतोष अभी रुक जाइए एक मिनट के लिए जी, बोलिए अमीर हैदर साहब, एक सवाल लूंगा उसके बाद ब्रेक लूंगा जी, जब जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर के राहुल गांधी ने बाहें चढ़ाई थी, नॉनसेंस तक कई बिलों को कहा, फ्रंट फुट पर आए, लीड करने की बात आई, किसान बड़े खुश हो गए थे, अब किसान वो परेशान है, प्रदर्शन करने को तैयार हैं, वो ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी को, तो कम से कम उन्हीं को बता दीजिए हैं कहां, ब्रेक ले लेंगे, उन किसानों को बता दीजिए हैं कहां, ये हमारी बात नहीं है, उन किसानों की है जो आस लगाकर राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। शर्मा जी एक बात सुनिए, मेरा निवेदन है कि ये बिल जब आया तो बीजेपी अपोज कर रही थी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, जो बिल पास हुआ किसान जो ढूंढ रहा है बच्चे, भैया आपको सत्तर मंत्री पर होना चाहिए बिल के लिए, राहुल जी को मेरे पास भट्टा पारसौल के किसान आए हैदर साहब, एक सुन लो इतनी तेज, मेरे पास भट्टा पारसौल के किसान आए आज सुबह, बोले भैया ये बताओ राहुल है कहाँ, उनके लिए बता दो कहाँ है, अगर छुपा क्या करोगे, ये कोई हीरा है कोहनूर की जेब में के अंदर रखेंगे मंडी के, बताने में क्या संकोच है, कोई गलत जगह तो नहीं होगा ना उस परिवार का बेटा, बता दो बताइए, मान लो बैंकॉक में हो तो बोलो क्या बुराई है बैंकॉक में, अरे अमिताभ भाई एक बात बताइए, मान लो अटाया पटाया कहीं हो बोल दो एक बात, ये अमिताभ भाई एक बात बता दीजिए कि भाई आज देखिए सब हमारे यहाँ मौजूद हैं और हमारी कार, अरे हम कह रहे हैं हम उन्हीं को चाहते हैं, अगर वो कहीं चले गए वक्ती तौर पे, हैदर साहब नहीं देता प्रॉब्लम, हैदर साहब जनता अगर मान लीजिए बाकी सबको नहीं पसंद कर रही, अमीर हैदर को नहीं सुनना चाहती, दिग्विजय सलमान बेनी को नहीं सुनना चाहती, वो कह रही वी वॉन्ट राहुल, तो राहुल का पता देने में आपको समस्या क्या है भाई, अरे अमिताभ भाई ये मुझे कि कोई बड़ा मूवमेंट चलाएगा, चचा भट्टा पारसौल के मूवमेंट चलाएंगे, पारसौल के लोग भट्टा पारसौल के लोग मुझसे पूछ रहे हैं राहुल गांधी कहाँ है, भट्टा पारसौल के लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी क्या कहाँ है, आपको बताने में हिचक क्या है, ये बता दो भाई साहब, अमिताभ भाई साहब आप ही क्या आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं, नहीं आपके पास तक वो आए होते तो आपको वोट नहीं दे देते, फिर जिता नहीं देते यूपी में, आपका चाल चलन तो वो देख ही रहे, मेरा कहना हैदर साहब मेरा निवेदन ये है, अच्छा ये मत बताइए एक सेकंड में बहुत वैलिड सवाल पूछ लूं फिर ब्रेक पे जाऊंगा, सब लोग मैं आ रहा हूं ऊपर, हैदर साहब बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिए, फिर मुझे दोनों से इसी पर उत्तर लेना, आशुतोष संक्षेप में उत्तर देना आप भी, आप मत बताइए राहुल गांधी कहां है, आपकी मर्जी मान ली, लेकिन राहुल गांधी का
इस वक्त वो कहां लोकेशन बताने में आपकी हिचक क्या है यही बता दीजिए, मत बताइए बैंकॉक, पटाया, नागालैंड, श्रीलंग, देवभूमि, कौन सी भूमि, छोड़ दीजिए, मुझे बता दीजिए हिचक क्या कहां पर है कि राहुल गांधी के बारे में बताने से हिचक कहां भी है। राहुल गांधी कोई मंथन कर रहे हैं, कोई कहां है, लेके आ रहे हैं, हिचक बता दीजिए क्या है। एक ज्यादा पता लगा रहे हैं ये काम करते हैं, इसका मतलब कांग्रेस तजुर्बा हैदर साहब, कांग्रेस मानसिक तौर पर दिवालिया हो गई लेके बैठे हैदर साहब। कांग्रेस दोनों बातों का उत्तर नहीं देना चाहती, ना तो जगह बताना चाहती है ना हिचक। शाहिद साहब बहुत संक्षेप में ब्रेक पे जाऊंगा, मुझे बताइए कांग्रेस की हिचक क्या है राहुल गांधी का भूगोल बताने में, इस वक्त वो कहां है। मैंने अमिताभ भाई यही बात कही, इस वक्त देश में आग लगी है, संक्षेप में हिचक बताओ फिर लंबी बात हो जाएगी। कह रहे कि देश में कोई बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा देश में मुद्दा क्या है, कांग्रेस की हिचक क्या हो सकती है। आपने ये कहा है गलत, घुमाइए नहीं, ये शर्म भाई आपकी बात आशुतोष राय सुपुत्र वो इस वक्त कहाँ है आशुतोष राय, आपकी बात ये आपकी समस्या, सार्वजनिक जीवन ये आपकी समस्या, हमारी समस्या देश में बताना पड़ेगा, हमारी समस्या देश की जनता पूछ रही है। आशुतोष आपको जवाब देना है नहीं, मैं ब्रेक पे जाऊँ। निश्चित रूप से हिचक क्या है, कांग्रेस को ये जवाब दीजिए, कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि राहुल गांधी का वेयर अबाउट कहां है, राहुल गांधी इस समय कहां है, यह दर्शाता है राहुल गांधी के बारे में नहीं पता होना कि कांग्रेस के अंदर सत्ता का संघर्ष चरम पर है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि वो प्रियंका के साथ जाए, वो राहुल के साथ जाए, इसलिए जो है कांग्रेस में राहुल गांधी के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है ना कांग्रेस दे पा रही है। हो गई बात, अभी हैदर साहब दो बातें कह दें, ब्रेक लेंगे। जो नेता आपका जो नायक बनने की राह पर हो आप लोग कहें, वो अमेठी के लोगों का जवाब न दे पाए, वो भट्टा पारसौल के किसानों का जवाब न दे पाए, जो 9 से 5 की ड्यूटी ना कर पाए, उसे राजनीति करने की जरूरत क्या है। छोटा सा ब्रेक लेना, लौटना जल्द। बिल्कुल सही बात कही विकास भाई। राहुल गांधी कहां है इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए अमिताभ जी। अगर एक पत्रकार के नाते एक बड़ी घटना हो जाती तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि कम से कम छुट्टी ना लूं और ना मुझे कोई छुट्टी दे, लेकिन मैं आत्ममंथन करने तो नहीं जाऊंगा। नहीं, देखिए मांग छुट्टी मांगने वाला भी विचित्र और देने वाला उससे ज्यादा विचित्र। युद्ध की सेनाएं सज जाएं तो सेनापतियों को छुट्टी मांगना और देना दोनों अपराध होता है। मैं हैदर साहब से एक बात कहूं, शायद इस कोण से उन्होंने विचार नहीं किया, और कांग्रेस में रहते हुए करें ना वो भी अच्छा ही है, नहीं तो वहां संकट भी हो जाएगा। खैर, लेकिन अब चचा को क्या संकट, चचा तो झील लिए उम्र ठाट से, अब क्या संकट है। खैर, 10 करोड़ लोगों ने मोहम्मद शाहिद अभी संकट माने, आशुतोष माने, समझ आती है अभी इन लोगों को राजनीति करनी है लंबी उम्र। चचा तो क्या, तो सीधी बात कहिए कबीरा खड़ा बाजार में। खैर, शायद 10 करोड़ लोगों ने शाहिद भाई अभी नहीं, 10 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उस नारे के खिलाफ जिस नारे में कहा गया चलो चले मोदी के साथ। हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों ने मोदी के साथ चलने की बजाय मोदी के साथ 17 करोड़ लोग चले लोकसभा में चुनाव में और 10 करोड़ चले राहुल के साथ। वो 10 करोड़ लोगों की आंखों में सवाल है कि सब लोकसभा चुनाव के बाद अब तक का सबसे राजनीतिक दृष्टि से जब महत्वपूर्ण काल आया, जब से सरकार गठित हुई है उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल में जिसके नाम का सिंदूर हमने अपनी मांग में लगाया वो आदमी गायब हो गया। और कांग्रेस के दिवालियापन देखिए, वो बोलने को तैयार नहीं, घोरमाठा कर रही है, पूरब में कहते घोरमाठा, घोरमाठा कर रही है, बोलने को तैयार नहीं, छल छद्म प्रपंच कर रही है। ये बताने में आपको क्या तकलीफ है, राहुल गांधी किसी अवैधानिक जगह पर है क्या, क्यों नहीं देश को बताया जाता है राहुल गांधी इस शहर में है, क्या संकट है। राहुल गांधी की सुरक्षा अमीर हैदर तो नहीं कर रहे, राहुल गांधी की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी सुरक्षित एजेंसी कर रही है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है वही एजेंसी राहुल की सुरक्षा करती है। बताने में आपको क्या समस्या, क्या भारत का प्रधानमंत्री, क्या बड़े राजनेता, सार्वजनिक जीवन में बड़ा पद रखने वाले लोग ऐसे गायब हो सकते हैं।
और उनकी पार्टी के लोग ये तर्क दें टीवी पर बैठकर, आपको क्या तकलीफ नहीं बताते जी? ये आपके घर के बच्चे का मामला है क्या कि नहीं बताते जी? देश को बताइए, अपने कार्यकर्ताओं को बताइए, क्या संकट क्या है कांग्रेस के सामने? नहीं तो ये बताइए, क्यों नहीं बताना चाहते ये बताइए। अमीर हैदर साहब, अमिताभ भाई ये बताइए जी, आपको आपको जितनी चिंता है ये अपोजिशन वालों को बड़ी चिंता है, हमें पब्लिक को चिंता लगती नहीं। हम भी देहात में रहते हैं, हम भी गांव जाते हैं, हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनको इतनी चिंता नहीं है। अमीर हैदर भाई, आपको अमीर हैदर साहब ज्यादा चिंता हो गई, कराएंगे क्या इस पर रेफरेंडम आएगा तब बोलेंगे? अरे रेफरेंडम है भाई, इसलिए पब्लिक में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, आप ज्यादा जुड़े रहते हैं। मैं समझ गया कांग्रेस के संचालन की स्थिति कितनी कुव्यवस्था की शिकार है, कैसा राजनीतिक माहौल है, युवा बोलने को तैयार नहीं, नहीं बहुत मजबूत है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये कोई इशू नहीं, लोकतंत्र के लिए खतरा है। मोहम्मद शाहिद, अगर अगर मुलायम सिंह जी कहां है, रामगोपाल यादव कहां है, शिवपाल यादव कहां है, अखिलेश जी कहां है, ये बताने में जिस दिन समाजवादी पार्टी गोलमोल करने लगेगी मैं यही शब्द उसके लिए भी इस्तेमाल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा मोहम्मद शाहिद साहब? नहीं, हमारे नेताओं की जानकारी के बाद रखे अमिताभ भाई, मैं बता रहा हूं कौन कहां पे क्या कर रहा है रखा है। अमीर हैदर साहब ने अभी आपका जब ब्रेक हुआ तो हमसे ये बात कही, नहीं, ये सब कि वो ये इस तरह के नहीं कहते, नहीं गलत बात नहीं, कोई बात नहीं, मजाक की बात नहीं, लेकिन जवाब आ रहा है, बिल्कुल नहीं निकाल, वो अपने परिवार के साथ एक ही मना रहे हैं, परिवार वो परिवार अलग की बात, एक मिनट, इस तरह की कोई बात नहीं। अमीर हैदर साहब, मुझे आप बताइए कि जिस भी बिल में दिक्कत हुई राहुल गांधी ने बाहें चढ़ाई, नॉनसेंस कहा, फाड़ने तक की बात की, वो सजग थे ना अमीर हैदर साहब? तो अब इस वक्त वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, यानी कि जो नया एनडीए का बिल है उसमें पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों कांग्रेस जंतर मंतर पर धरना दे? शर्मा जी एक बात बता दो, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को दिक्कत नहीं है इस बिल पर? शर्मा जी एक मेरी बात तो सुन लीजिए, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को दिक्कत नहीं है, एनडीए के बिल पर कोई दिक्कत नहीं, भूमि अधिग्रहण पर तो क्यों जंतर मंतर? शर्मा जी आपके बात का जवाब दे दूं, आपके बात का जवाब दे दूं, मैं कांग्रेसी हूं, 50 साल से कांग्रेसी हूं, लेकिन इतनी बात कहता हूं कि मैं साफ बात कांग्रेस में करता हूं, मैंने ही कड़वा सच लिखा है, मैंने ही लिखा है, राहुल गांधी ने जो फाड़ के फेंका था ठीक नहीं कहता, आज भी कह रहा हूं, ये निजी मामला है, राहुल की कही का है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, एक मिनट अमीर हैदर साहब, राहुल गांधी पिछले सत्र में पूरे एक साल एक सवाल राहुल गांधी ने पूछा, सिर्फ एक सवाल, जितने सांसदों की कम अटेंडेंस होती है उसमें नीचे से तीसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं। दूसरा सवाल, तीसरा अहम सवाल, एनडीए के नए बिल पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो जवाब न दे पाए, गायब हो जाए, कैसे लीड करने की बात, कैसे उसे संन्यास लेना चाहिए राजनीति से? ये कैसे करते हैं? एक सवाल पूछे, आपत्ति नहीं है आपत्ति नहीं तो क्यों सोनिया जी ने कहा कि नहीं ये गलत नहीं, है? नहीं, राहुल गांधी को आपत्ति नहीं, राहुल गांधी सामने आते, सोनिया जी का कहना पूरी से निकलकर सामने आते बोलते, राहुल गांधी को आपत्ति होती तो नहीं, नहीं उनका कहना पूरी कांग्रेस से कहना है, एक मिनट हैदर साहब, का कहना पूरी कांग्रेस से कहना है, राहुल का कहना, हैदर साहब जी जी, राहुल गांधी कितने साल से लोकसभा के मेंबर हैं? आज चर्चा को आप लोगों ने जी काफी दिन से, नहीं जरा बताइए ना, 3-4 बार हो गया उनका टर्म, ठीक है जी, हो गया मुझे, आप तो 50 साल पुराने कांग्रेसी हैं, गोल्डन जुबली हो गई आपकी कांग्रेस में, हो गई, मुझे 3 स्पीच जरा याद करके बता दीजिए जो 4 टर्म में राहुल ने बुद्धि हो पार्लियामेंट में देश की समस्या पर, 3 स्पीच बता दीजिए। देखिए ऐसा है, ऐसा गुंगा आदमी प्रतिनिधि क्या करे फिर, जो बोले नहीं सो जाए और वक्त पर भाग जाए फिर उसका क्या करे? अमिताभ जी एक बात लीजिए, बताइए, एक बड़ी पार्टी है वहां तय होता है कौन इस सब्जेक्ट पे माहिर है वो बोले। अरे ये किसी सब्जेक्ट पे माहिर नहीं, तो इसका मतलब किसी लायक नहीं, नहीं दिल की बात नहीं है, आप इशारे में ये कह रहे हो कि अभी नादान है इसको बोलने आप अरे भाई मोहम्मद शाहिद आप सुन रहे हैं मुझे, नेता बहुत कामयाब आप रहेंगे, मोहम्मद शाहिद मुझे सुन रहे हैं आप जी? तो हाँ बोलिए, चाचा बोलने दे, नहीं मैं आप मुझे सुन रहे तो हाँ बोलिए, पहले हाथ रख दिया, बिल्कुल नहीं,
चार बार का सांसद और चार स्पीच लोगों के जहन में नहीं, उन लोगों को याद नहीं जो कांग्रेस के 50 साल से निष्ठावान कार्यकर्ता है। जरूरी है सब याद रखू मोहम्मद शाहिद, ये कोई जरूरी है? बता दे मुलायम कब बोले, ये बता देंगे मुलायम जी तो आज ही बोले, आज ही बोले हैं मुलायम सिंह, आज ही बोले हैं सवाल। अरे आज बोल देंगे, बता देंगे, कितने स्पीच बोले, कई बार बोले, बता देंगे तब नहीं बता पाएंगे ना, वो तो बोलते ही नहीं है। जवाब देना तो जल्दी से दीजिए, इतना समय थोड़ी नहीं कि बिल्कुल सब ट्रैफिक जाम खाली हो जाएगा तो आप गाड़ी चलाओ। क्यों भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी क्या है अमिताभ भाई, कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही है कि किसको नेता बनाया जाए, ये इनको बड़ी चिंता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का, मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रीय पार्टी का दम भरने वाली पार्टी एक क्षेत्रीय दल के रूप में आ गई है, उसमें ये एक मंथन हो रहा है कि किसको नेता बनाया जाए, किसको। मैं जो पहले जो बात कहने चाह रहा था, थोड़ा सा उसमें हंसी जरूर हो गई इस बात को कि मैं जो चचा ने बाद में कही वो बात आपने उठा दी बाद में, कि कांग्रेस में राहुल गांधी क्या कोई छोटे से बच्चे तो है नहीं, राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जो पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरा पद माना जाता है किसी भी दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरा उपाध्यक्ष पद माना जाता है, जो सारी कार्यशैली पार्टी की वही देखता है उपाध्यक्ष। उनको आज की तारीख में इस देश में यह बताना पड़ेगा, इस देश की मूल जो इस वक्त जो सबसे मतलब आग लगा हुआ चैप्टर है, भूमि अधिग्रहण बिल, उससे आप नदारद है। देश ये जानना चाहता है आप उस मुद्दे पे क्या बात करना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है उस मुद्दे पर क्या बात करेंगे, कांग्रेस की एक लाइन है वो बात हो रही है, बताइए ना। देश कांग्रेस की लाइन है, राहुल गांधी की लाइन हो रही है, सोनिया गांधी को लोग सुनना चाहते हैं, बोलिए बोलिए आशुतोष राय, अरे अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, बोलिए आशुतोष राय, पार्लियामेंट जो आज चल रही है उसमें लोग जानना चाहते हैं कि क्या बोल रहे हैं। आप देखिए तो जाके देख, बोलना होता तो यार रुकते नहीं जाते क्यों, अगर कुछ बोलना होता कुछ नहीं बोल रहा, इसीलिए ये सवाल उठा रहा हूं भाई। आशुतोष राय जी, आशुतोष राय एक आखिरी सवाल आपसे, संसद के अंदर रहते, ठीक है आशुतोष राय जी, बात करते 125 करोड़ लोग सुनते हैं उनकी बातों को, जानते कि मेरी मूलभूत समस्याओं से राहुल गांधी को वक्त है। आशुतोष राय जी सुन रहे हैं आप हमें, आशुतोष राय जी समस्याओं से जयपुर में जब चिंतन मनन हुआ था पार्टी का, कांग्रेस का, तो राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि मेरी मां आई मेरे कमरे में, रोई और कहा कि सत्ता एक पॉइजन है, इससे दूर ही रहो। ये बात राहुल गांधी को अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ना तो लोगों के लिए बोल पा रहे हैं, ना लोगों के हित के लिए, ना जोड़ लाया के वो सेंटिमेंटल मामला था, कहां जोड़ रहे हैं, नहीं ये सेंटिमेंटल नहीं है, किसान परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमारा नेता बोले, नहीं नहीं ये सेंटिमेंटल नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है क्या हैदर साहब, कि हमारे लिए बोले, कहीं का रोड़ा कहीं पे जोड़ा, नहीं नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लॉजिकल भावनात्मक नहीं है क्या? आशुतोष है, देखिए राहुल गांधी ने बार बार देश की जनता के सामने जब जिम्मेदारी की बात आई है, जब निर्णय लेने की बात आई है, जब जब देश को जरूरत रही है किसी ऐसे व्यक्ति की, तो राहुल गांधी उसमें सर्वथा फेल पाए गए। मेरा अपना मानना है कि जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है और उसको जब काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाता है, और काउंसलिंग रूम से जब वो बाहर आता है और घर आता है बैग रखता है, घर में मां पूछती कि तुमको काउंसलिंग के लिए क्यों बुलाया गया था, तो राहुल गांधी ने जो बहाने जयपुर में बनाए उसी तरह की बातें वो जाकर के क्लास में फलाना बच्चे ने ये कह दिया, टीचर ने ये कह दिया, मेरी गलती नहीं थी, या इस तरह की बचकानी हरकतें जो है वो कक्षा 5 में पढ़ने वाला बालक करता है, ठीक राहुल गांधी का आचरण उसी प्रकार है इस देश के प्रति। बार बार हारते हुए बार बार देश को जो है जे, ये लोग बार बार देश को जो है मुसीबत में डालने के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा और राहुल गांधी ने कई मैंने एक जो पहले एक बात कही थी जो अमिताभ भैया ने कहा कि 10 करोड़ वोटर के का देश का 10 करोड़ वोटर इस बात को खोज रहा है, युवराज होने का, कांग्रेस का युवराज होने का, इस देश का नेतृत्व करने का, इस देश का प्रधानमंत्री का युवराज भरने वाला, चर्चा
आशुतोष राव राहुल गांधी जब कोटे के मैदान से क्यों भाग गया आशुतोष राव जी। आशुतोष राव जी समय की कमी है, एक मिनट अमीर हैदर साहब अब तो बता दीजिए राहुल गांधी हैं क्या, मनोज तिवारी ने क्या कहा सुन लिया आपने, अब तो बता दीजिए, अब बताएं, आप पूछ रहे बता दे रहा हूँ जी, चलिए सुनिए। अरे हमारे ये हमारे जो साथ बैठे हुए हैं, नहीं नहीं राहुल गांधी का चिंता है, राहुल गांधी का इतना बता दीजिए समय नहीं है, यस भाई यही बता दे रहा हूँ, नहीं नहीं उसमें हम तो चिंता नहीं है ना, कोई इंटरेस्ट है, राहुल गांधी कहाँ गए, हारे हुए आदमी को ना कोई देख, बार बार ये कह रहे हैं कि चिंता है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हारे हुए नहीं देना चाह रहे, मुझे बता दे तो ये बता दे कि जनता को वो 10 साल याद है, वो भ्रष्टाचार का वो याद है, आशुतोष राय जी समय नहीं है, समय नहीं है, संचार घोटाले से लेकर आशुतोष राय जी समय नहीं है, बार बार बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल अमीर हैदर साहब समय नहीं है, अब समय नहीं, आप जवाब नहीं दे पाए, अमिताभ जी संपादकीय टीम ठीक है आगे, हैदर साहब आ गई बात, आ गई आशुतोष आ गई बात, हैदर साहब अब नहीं, अरे आप तो बुजुर्ग आदमी, आप कहां उत्तेजित हो गए बच्चों के साथ, आशुतोष नहीं, आशुतोष नहीं, एक चीज मैं जरूर कहूंगा अंत में, पूरी एक घंटे की बहस के बाद, अमीर हैदर साहब आपको शोभा नहीं देता, कहां बच्चों से, छोड़ दीजिए, हैदर साहब चचा मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक बात जरूर कहूंगा, आशुतोष अभी नहीं, हैदर साहब नो, अगर मैंने उनको मना किया तो आपको भी मना किया, आशुतोष नो 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 कमेंट नो, अगर मान लीजिए राहुल गांधी को कहीं पिकनिक मनाने का ही मन था, कहीं बरमूडा पहन के टी शर्ट पहन के घूमने का ही मन है, कैप लगा के किसी समुद्र के तट पे विचरण का मन है, कुछ भी मन था तो मन पर थोड़ा नियंत्रण रख लेते, 28 फरवरी के बाद चले जाते, देश का रेल बजट देश का आम बजट आ जाता उसके बाद चले जाते, ना तो समुद्र के तट भाग रहे थे, अमीर हैदर साहब मुझे अच्छा नहीं लगता आपको टोकना, मैं आपका अदब करता हूं, बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता, हैदर साहब आप मेरे शो का फॉर्मेट जानते हैं ना, लगातार कमेंट्री नहीं चलेगी चचा, हैदर साहब लगातार कमेंट्री नहीं करिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं, मैं आप दोनों की आवाज बंद कर दूं, तब सम्मानित होंगे, दोनों की आवाज बंद कर दूं, थोड़ा तो सीखिए कुछ बहस का फॉर्मुलेशन, मैं राहुल गांधी की व्यक्तिगत आजादी का सम्मान करता हूं, चाहे वो कुछ कोई व्यक्ति, हर की व्यक्तिगत आजादी का सम्मान है, कहीं उनका पर्यटन का ही मन था तो ना तो पहाड़ भाग रहे थे, ना समुद्र के तट भाग रहे थे, ना उन पर गीली रेत कहीं भागी जा रही थी, ना गंगा भाग रही थी, ना गंगोत्री भाग रही थी, 28 फरवरी के बाद पर्यटन कर लेते देश में चाहे विदेश में जहां भी वो हो, एक दूसरी बात, युद्ध के क्षेत्र से नायक भागता है तो पूरी सेना हताश हो जाती है, ये जान लीजिए, तीसरी बात, हैदर साहब मुझे बड़ा खेद है आप और आशुतोष के व्यवहार से, बड़ा खेद है मुझे आपके और आशुतोष के व्यवहार से, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसे मेहमान रिपीट नहीं हो, नहीं नहीं हैदर साहब मेरे शो में संभव नहीं, ना 5 बार मैंने आपसे निवेदन किया, कोई तरीका है क्या इसको, आप लोगों ने विधानसभा समझ लिया, ये नहीं चलेगा, इतना ही तेज था, इतना ही होश था तो देश को बताते राहुल गांधी कहां है, 29 करोड़ वोटर्स को बताते कि राहुल गांधी कहां है, उन भट्टा पार्सल के किसानों को बताते जो जंतर मंतर पर घूम रहे हैं और खोज रहे हैं राहुल गांधी को, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यह भी बताने में कांग्रेस पर्देदारी कर रही है कि देश में है कि विदेश में है, अगर क्यों नहीं बताना चाहते, हिचक क्या है, यह भी नहीं बताना चाहते आप, सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन ये दोनों एक साथ लेके मत चलिए, या तो घर का लड़का बना के उसको रखिए या
सार्वजनिक जीवन में नेता बना के रखिए, ये घर मेल नहीं चलेगा लोकतंत्र में। बेटा बना के रखना है तो घर मेल अंदर रखिए, और पार्टी की कमान सौंपनी है आप देश से उस वोट मांगने जाएंगे उसके नाम पर, तो आपको बताना ही पड़ेगा आदमी कहां है। आप लोकसभा में उसके चेहरे पर वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि राहुल गांधी को चुनिए, ये देश का नेतृत्व करेंगे, तो बताना चाहिए था आपको। कांग्रेस की इस पर्देदारी ने, राहुल गांधी के इस एक्ट ने, डिसअपीयर होने के एक्ट ने जितना कांग्रेस को लांछित किया इस मौके पर, उसके कार्यकर्ता को लांछित किया, उससे ज्यादा कांग्रेस ने खुद को लांछित किया इस मामले पर विवाद को तूल देकर कि राहुल गांधी कहां है बताएंगे नहीं। 007 टाइप की एक्टिविटी है सार्वजनिक जीवन में, कोई जासूसी टाइप की एक्टिविटी होती है क्या? मुझे लगा जब सुबह ये ट्विटर पर पिक्चर्स आई, मैंने कह सकता है राहुल जी की है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये क्या करमचंद जासूस जैसा काम हो रहा है। पार्टी अधिकृत प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं, कार्यकर्ता फोटो डाल रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, किस बात की पर्देदारी है? अगर आपने ऐसा फैसला किया ही कि नहीं मेरा बेटा घूमे आए, तो बताइए फिर साहस रखिए, बताइए कि हमारे लिए रेल बजट, भूमि अधिग्रहण बिल, आम बजट तीनों महत्वपूर्ण नहीं थे, राहुल गांधी का विदेश घूमना जरूरी था, बोलिए, ये साहस रखिए, इतनी हिम्मत जुटाइए। ये जवाहरलाल की पार्टी है, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है, चाटुकारिता में पार्टी को दफन मत करिए, बहुत हो गई चाटुकारिता। एक युग संजय गांधी का भी मैंने देखा था, जब संजय गांधी की चाटुकारिता करके कांग्रेसियों ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया था, संजय गांधी की चाटुकारिता ने ही 77 में कांग्रेस को जमीन पर लाके खड़ा कर दिया था। वही काम आप राहुल गांधी के साथ करना चाहते हैं? कोई भी नेता हो सार्वजनिक जीवन में, ये मर्यादा कहती है कि उसके वेयर अबाउट्स जनता को पता होना चाहिए, अगर जनता की रुचि ये जानने में हो कि मेरा नेता कहां है। देश की रुचि ये जानने में है कि बजट के समय राहुल गांधी कहां है, बताया जाना चाहिए। कांग्रेस जितना छुपाएगी उतना अपना नुकसान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।